नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 15 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन कौन से हैं, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि सेना, खेल, साहित्य वगैरह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इनमें प्रशस्ति पत्र के साथ कुछ धनराशि दी जाती है। चलिए दोस्तों, भारत के अंदर जो ऐसे 15 प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भारत की प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मामले में दिए जाने वाला सबसे सम्माननीय पुरस्कार है। इसे साल 1954 में स्थापित किया गया था। 1,00,000 रुपए का चेक सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन की गई साहित्य अकादमी पट्टी के साथ दिया जाता है। दूसरा है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध के मैदान में अप्रतिम सैन्य प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसे साल 1950 में 26 जनवरी के रोज स्थापित किया गया था। अलग अलग राज्यों के लिए तयशुदा धनराशि, एक कांस्य पदक जिसके बीच में राज्य प्रतीक और उसके चारों तरफ 4 इंद्र के वज्र बने होते हैं, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी होती है और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तीसरा है भाषा सम्मान। इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम साहित्य अकादमी करती है। इसके तहत 24 स्थापित भाषाओं के अलावा क्लासिकल और मध्यकालीन साहित्य में बेहतर करने वालों को सम्मानित किया जाता है। इसे साल 1996 में स्थापित किया गया था। 1,00,000 रुपए का चेक और स्मरण पट्टिका दी जाती है। चौथा, युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार, ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा नव लेखन में दिया जाता है। साहित्य में 35 वर्ष की उम्र से कम के उभरते हुए साहित्यकारों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। 50,000 रुपए का चेक और एक तांबे की पट्टिका दी जाती है। पांचवा, पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस पुरस्कार को भारत रत्न के बाद सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार अलग अलग विधाओं में बेहतरीन काम करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को साल 1954 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में सोने, चांदी या फिर कांस्य पद दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की मुहर वाली सनद जिसे खुद राष्ट्रपति देते हैं। छठवां है भारत रत्न। भारत रत्न, इसे भारत का सबसे सम्माननीय नागरिक पुरस्कार माना जाता है। किसी भी विधा में बेहतरीन कार्य करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक प्लेटिनम पट्टिका जिस पर सत्यमेव जयते खुदा होता है, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। सातवां है अशोक चक्र। अशोक चक्र, ये भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवाओं में अप्रतिम धैर्य व साहस के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे साल 1952 में स्थापित किया गया था। अलग अलग राज्यों में तयशुदा धनराशि, कांस्य पदक जिसके बीचों बीच अशोक चक्र खुदा होता है, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। आठवां है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में गांधीवाद,
तौर तरीकों से काम करने वाली संस्थाओं और शख्सियतों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे भारत सरकार देती है 1 करोड़ रुपए, जिसे किसी भी धनराशि में बदला जा सकता है। 1 पट्टिका जिस पर गांधी अंकित होते हैं। 9वां जल थल वायु पदक। जल थल वायु पदक ये पुरस्कार सेना में युद्ध और शांति के दौरान अप्रतिम साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है जिसमें 2 एंकर होते हैं और 1 हिमालय का चील बना होता है। इसके अलावा सेना के अलग अलग डिवीजनों के लिए दिया जाता है। 10वां है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न ये भारत में खेल के मामले में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बीते 4 साल में बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसे साल 1991 में स्थापित किया गया था। 75,000 रुपए कैश, 1 सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। 1 पदक जिस पर राजीव गांधी खेल रत्न हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है, साथ ही इस पर राज्य प्रतीक भी बना होता है। 11वां है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार ये पुरस्कार 6 साल से 18 साल के बीच में ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया होता है। इस पुरस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और इनमें से सबसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार है। कैटेगरी के हिसाब से कैश कैटेगरी के हिसाब से पदक एवं सनद दिए जाते हैं। सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है, राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के तहत आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद भी है। 12वां है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्थापित इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2002 में शुरू हुई। 50,000 रुपए कैश, मेजर ध्यानचंद की कांसे से बनी हुई मूर्ति, 1 मेडल जिस पर मेजर ध्यानचंद का अक्ष खुदा होता है, 1 प्रशस्ति पत्र ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। 13वां अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर व देशी स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये पुरस्कार साल 1961 में स्थापित किया गया था, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख रुपए कैश, कांस्य से बनी अर्जुन की प्रतीकात्मक मूर्ति, प्रशस्ति पत्र। 14 है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये पुरस्कार खेल में बेहतरीन कोचिंग के लिए दिया जाता है। हिंदू धर्म की मिथकीय कहानियों में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं, जो अर्जुन को दुनिया का बेहतरीन धनुर्धर बनाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1985 में शुरू हुई। गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, 7 लाख रुपए कैश, प्रशस्ति पत्र। 15 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार से भारत द्वारा पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शख्सियतों को नवाजा जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और नए आर्थिक सुधारों में अहम योगदान किए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना साल 1996 में हुई। 25 लाख रुपए कैश, उनके प्रयासों के लिए प्रमाण पत्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बावड़े को